हेलो माय ब्यूटीफुल सोन्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आप जिस फ्रिक्वेंसी लेवल पे हैं, आपकी जो एनर्जी है, क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ हो सकते हैं। ओके, बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली फाइल को पिक करें। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। थोड़ी देर में दिखा देती हूँ क्लोजली। ग्रुप नंबर वन, बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर एंड कार्ड ऑप्शन है पिकक। पिकक, ओके। ग्रुप नंबर टू, हाउस, हाउस, बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ओके, ग्रुप नंबर थ्री, अपन, बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर वन, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। जिस फ्रिक्वेंसी लेवल पे अभी आप हैं, एनर्जी लेवल पे आप हैं, क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। ओके, ये नेगेटिव पॉजिटिव बोथ हो सकते हैं आज। ओके, आपने इंट्यूटिवली कार्ड चूज़ की है पिकक। पिकक की जो एनर्जी है, ये शाइन करने की बात कहते हैं, प्यूरिटी की बात करते हैं। दैट्स वाई कृष्ण के सर पर हम जो पिकक फेदर देखते हैं, उसको लेकर काफ़ी मिथ, काफ़ी स्टोरीज जुड़ी हुई है। बट जो मेन एनर्जी में बोला जाता है प्योरिटी। एंड पिकक से हम प्राइड भी देखते हैं, अहंकार भी देखते हैं, गर्व भी देखते हैं। देखते हैं ये कार्ड इंट्यूटिवली आपने चूज़ की है, क्या क्या मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, आई पिक थ्री कार्ड मोर, देखते हैं। ओके, दिस इज उल्फ एनर्जी आई है भीषण। ग्रुप नंबर वन, कुछ बोलने से पहले बहुत सोच समझ कर आपका बोला गया चीज़ें फलित हो सकती हैं। आपने बोल दिया कुछ कि मुझे लग रहा है तुम जो कर रही हो ना, ये सही नहीं होगा या फिर आगे जाकर ये काम नहीं करेगा, हो गया उसका मतलब। लोग बोल सकते हैं अरे ये तो बड़ी काली जुबान है, बोल दिया हो नहीं होगा तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको बोला जा रही है, हो सकता है उस टाइम फ्रेम में आपको वो एनर्जी इस तरह से आई कि आपने बोल दी एंड ये हो गया। आप बहुत ऐसे लोगों, साधु फकीर को देखते होंगे, वो बोल देते हैं कि तुम्हारा ना ये अब होने जा रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा। खासकर केतु के प्रभाव जब बहुत पॉजिटिवली किसी नेटिव में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है नॉलेज उनके पास एस्ट्रोलॉजी का या फिर बुकिश नॉलेज है, उनका केतु टिकट हो गया, वैसे जैसे रैडर में आ गया, बोल दिया। इस टाइप के कुछ इंसिडेंट आपके साथ आइदर कोई आपके ऊपर बोल दे, आपको लेकर बोल दे, या फिर ये आपकी एनर्जी कन्वर्ट होने जा रही है। उल्फ एनर्जी आ रही है, उल्फ स्पिरिट। ओके, उल्फ जो हाउल करते हैं ना, जैसे वो मून में, फुल मून, न्यू मून के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, जैसे वो रो रही है। अगर पार्टनर नहीं है तो पार्टनर के लिए रो रही है, तो एक रोने की आवाज़ आ रही है। जैसे कोई कोई जैसे होता ना कि लोगों के सामने नहीं रो पा रही है, छुप छुप के रो रही है, जैसे अपने रूम में आकर। सो कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है, आप ऐसे लोगों की मदद कर रही हो जहाँ पर लोग सामने से रो नहीं पा रही है, आप ऐसे एनर्जी को आइडेंटिफाई कर आप उनके सपोर्ट में कुछ करना, मतलब वेरी मच इग्नोर्ड और रिजेक्टेड पीपल के लिए कुछ करने की एनर्जी आ रही है, जो आप मैनिफेस्ट करो करंट टाइम फ्रेम में। एंड आप एक चीज़ नोटिस करेंगे ग्रुप नंबर वन, आपकी आप ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना जिनकी विजनरी पावर स्ट्रांग है, जिनकी केतु मून केतु कंजंक्शन है, जिनके हो सकते हैं केतु लग्न में हो, सप्तम में हो, केतु नवम में हो, पंचम में हो, या फिर मून से चतुर्थ में केतु हो। आई डोंट नो, मुझे स्ट्रांगली फायर से आप ऐसे लोगों को भी मैनिफेस्ट कर दोगे जो आपके पास आकर इमोशंस को रिलीज कर देगा। ग्रुप नंबर वन, ओके, दिस इज जस्टिस कार्ड हियर। जस्टिस की एनर्जी आ रही है, बट यहाँ पर एक क्रूर एक एनर्जी दिखाई दे रही है जो बहुत रूड है। जैसे सैटर्न की एनर्जी होती है कि बहुत तकलीफ देकर अंत में वो आपको देखता है कि आप सब कुछ तो झेल पा रही हो ना, वो छोड़ देता है। तो जस्टिस मैनिफेस्ट हो रही है। नेक्स्ट विद दिस वोल्केनो, ये जो एनर्जी है ये रिलीज़ कर देना, डीप रूटेड एग्रेशन रिलीज़ हो जाना। आप बहुत गुस्से में कुछ चीज़ों कर दोगे, मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। किसी ने कुछ बोला, गुस्से में कुछ बोल दिया, क्योंकि वोल्केनो का एनर्जी आ रही है। मेक श्योर ये एनर्जी है, यू कैन चेंज योर एनर्जी, यू कैन चेंज योर फ्रिक्वेंसी लेवल, बिकॉज वोल्केनो आने का मतलब है समथिंग लाइक आप रोक नहीं पाएंगे, आइदर दिस इज़ अ ह्यूज इमोशंस और ह्यूज एंग्री इशू, और आपने मन की भड़ास निकाल दी। ओके, लेट्स सी
देखते हैं और क्या क्या मैनिफेस्ट हो रही है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए लीगल इशू के कुछ चक्कर चल रही है, जस्टिस मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पर। एंड वॉल्केनिक इरप्शन से हम देखते भीतर की लावा निकल गया, पर्वत खाली हो गया, एकदम शांति पीस रिस्टोर हो गया, पास में ही एक आइलैंड फॉर्म हुई। सो यहाँ पर ऐसा भी बोला जा रहा है जैसे कार्मिक डेट्स क्लियर हो गया, बट बहुत सारी स्ट्रगल के बाद। देखते हैं और क्या क्या मैनिफेस्ट हो रही है। आपकी एनर्जी जो लेवल है करंट टाइम फ्रेम में, नंबर वन टाइम मूव, ओके बॉटम ऑफ द डेक। मुझे बहुत मेडिसिन की एनर्जी आ रही है, डब मेडिसिन आई है जो बोला जाता है, मतलब डब से हम देखते हैं पीस रिस्टोर हो रही है आपके लगे, मतलब बी प्राउड बी फ्री माई चाइल्ड गो ऑन एंड शोर लाइक नेवर बी, मतलब आपको फ्री कर दिया जा रही है। आई तरह एक छोटे घर में आप है, आपको एक बड़े घर में रहने का मौका मिले, या फिर आप रेंट पर ले लें, या फिर आप फ्लैट बुक करें, मतलब डब मेडिसिन आने का मतलब ही है आप मैनिफेस्ट करियो पीस को, आप मैनिफेस्ट करियो। जैसे मैं बोला ना कि पर्वत जब लावा को छोड़ देता है वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू से, पर्वत को बहुत हल्का महसूस होता है, जैसे बहुत कुछ रिलीज हो गया, नाउ मैं फ्री हूँ। सो मुझे वो वाला फ्री एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ये शांति है, ये रिकवरी है, हेल्थ रिकवरी भी है। देखिए स्टार कार्ड भी यहाँ पर आई हुई है, फॉलो द स्टार, ओके, दे नो बेस्ट, नॉट टू लाइट नॉट टू डार्क एंड सिमर ऑफ व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। सो जैसे बहुत धीमे गति से कोई स्टार एनर्जी, या फिर आप धीमे गति से रोशनी आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत स्लो प्रोसेस होने की वजह से यू फील लाइक कुछ भी नहीं हो रही है, लाइक यू आर एट ए स्नोफॉल सिचुएशन। जैसे आप एक ऐसे वेदर एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी अफेक्शन जो है आइदर रिस्पेक्टेड नहीं हो रही है, अप्रिशिएटेड नहीं किया जा रही है, या फिर लोग शो नहीं करते, और ये ना होने की वजह से आपका इमोशंस भी बर्फ हो गई है, आइस फ्रिज हो गई है। आपकी एनर्जी में ना ऐसा नहीं है, देखिए थोड़ी ताप मिले तो वो आइस यहाँ पर पिघल कर पानी बन सकती है, वो ताप नहीं मिल रही है आपको, वो हीट नहीं मिल रही है, वो मोटिवेशन, वो एंथुजियाज्म नहीं है करंट टाइम फ्रेम में, बट ये हो जाएगा यहाँ पर। बट स्टार से मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, आप ऐसा कुछ करो ग्रुप नंबर वन, देखिए डब मेडिसिन से यहाँ पर मुझे जो फर्स्ट मैसेज आ रही है, आप लिखो, चैनल करो लिखने के थ्रू से, जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाहते हैं लिखो, आपको लिखने के लिए बोला जा रही है। मुझे ना फाउंटेन पेन, क्या बोलते हैं पहले ज़माने में वो फेदर से लिखते थे ना, इस टाइप की चीज़ों की खरीदारी मुझे नज़र आ रही है, शौकीन चीज़ें, जर्नलिंग से जुड़ी हुई चीज़ें, स्टिकर, लेट्स सी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग थ्रू योर करंट एनर्जी। वन टाइम मोर, बॉटम ऑफ द डेक, लुक एट दिस, दिस इज आर्कएंजल राजियल, विस्टम इंस्पिरेशन एंड आकाशिक रिकॉर्ड। देखिए बुक्स की एनर्जी आ रही है, कोई पढ़ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट अपने टेस्ट वाइज यहाँ पर बुक्स पढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। मैं हमेशा कहते हैं मून आपकी लग्न में है, पढ़ते रहिए, लर्निंग आपके जीवन के साथ छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। देखिए विस्टम इंस्पिरेशन आई है, मतलब वो कहते हैं ना कि आपके जीवन के अंधकार ज्ञान मिटा सकता है, ज्ञान से ही अंधकार को मिटाया जा सकता है। सो यहाँ पर नॉलेज विस्टम आ रही है, पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट में आप जैसे रिसर्च कर रही हो, दिस इज जॉय ब्लेसिंग्स एंड इंट्यूशन आर्कएंजल हैनिगल जो नेस्ट फॉर्म कर रहा है यहाँ पर। एक चीज़ की तो वाइब्स है ग्रुप नंबर वन, ब्लेसिंग्स आ रही है, बर्ड्स को फीड करवाना, मैं देखती हूँ कि यू नो कुछ बर्ड्स की नेस्ट अगर गिर जाए, ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो अपने घर में उस नेस्ट को लेकर आते हैं, वो बर्ड्स को लेकर आते हैं, यू नो वो ताकि वो बढ़े, यू नो वो एक नई जन्म का शुरुआत हो, इस टाइप की चीज़ें आप करेंगे। बहुत बर्ड्स की एनर्जी आ रही है, आप बर्ड्स को फीड करवाइए, देखिए बर्ड 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 बर्ड्स को फीड करवाइए, ओके, दिस इज़ डिसीशन प्रेडिक्टिव गाइडेंस। मैं यही बोल रही थी, मेरी ग्रुप नंबर वन की कुछ व्यूअर्स यहाँ पर प्रेडिक्ट करते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं आप हीलर है, रेकी मास्टर है, योगा मास्टर है, ट्रेनर है, बट प्रेडिक्ट करना एंशियंट शेयर्स आप देख लेते हैं या फिर महसूस कर लेते हैं, सामने वाले को परखना बहुत जल्दी, माइंड रीड करना। सो इसीलिए मैं आपको बोली कि बोलने से पहले सोचें, अगर पॉजिटिव है फिर ज़रूर बोले, पर अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले की एनर्जी में आने वाले समय काल में कुछ नेगेटिव होगा, फिर न्यूट्रल मौन रहो,
क्योंकि मुझे थोड़ी इस टाइप की एनर्जी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ले आ रही है कि मुंह स्लिप अप टांग कुछ निकल जाएगा ना उसका, हो जाएगा बाद में आकर वो आपको बोल सकता है कि तुम्हारी तो बड़ी काली जुबान है, तुमने बोला रहो ये हो गया। ओके ग्रुप नंबर वन, देखिए अगर आपकी बोलने से अच्छा हो जाता है तो वो आपके पास आकर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट अगर आपकी बोलने से कि नहीं होगा उसका नहीं हुआ तो शिकायत करने आपके पास ज़रूर आएंगे, ह्यूमन नेचर है। ओके ग्रुप नंबर वन, आपकी एनर्जी के थ्रू से क्या मैनिफेस्ट हो रही है? मुझे आपके लिए सक्सेस नज़र आ रही है। यहाँ पर हैनियल जो है जिस भी फील्ड में है आपको बिकॉज जस्टिस मौजूद है। देखते हैं, यस आप बहुत खुश हो, डिलाइटेड, हैप्पी एंड विद दिस रिन्यूअल, नई रूप में आना, नई एक लुक्स, नई एक अवतार हम जिसको कहते हैं राइट, रिन्यूड होना। कुछ होता ना कि आपका मन करा कि मैं थोड़ी टैटू बना लूँ, आपका मन करा कि नहीं मैं नाक में थोड़ी यू नो नोज पियर्सिंग कुछ कर लूँ, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी जैसे समथिंग एडवेंचरस जिसको आप ट्राई करना चाहते हैं, रिन्यूड जो शायद आपने कभी नहीं करा है। दिस इज डिलाइटेड एंड यू आर सो हैप्पी कि ओ माय गॉड अल्टीमेटली मैं तो सोच रही थी एंड इसको मैं एग्जीक्यूट कर पाए, डिलाइटेड हैप्पी एनर्जी। एंड यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगर मैं साथ में कोई भी नहीं है, स्टे सिंगल बी हैप्पी, आपकी एनर्जी में वो पावर है। ओके देखते हैं ग्रुप नंबर वन क्या मैनिफेस्ट हो रही है। वन टाइम में बॉडी वर्क जिम, जैसे थाई एरिया बहुत वजन, थाई हिप एरिया में बहुत वजन दिखाई दे रही है, नो वेट गेन कर जाना एब्डोमेन पोर्शन में, लोअर एब्डोमेन पोर्शन में, तो इस टाइप बेली पैट, सो बॉडी वर्क उस टाइप से, मतलब कुछ प्रोग्राम वगैरह सेट करना कि नहीं मुझे अब करना है। थोड़ी अभी हेल्थ कंसर्न यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। कम्युनिटी, वाह, जैसे कोई सेलिब्रेशन पार्टी हो रही है, यू नो कोई जैसे वेडिंग मैरिज एनिवर्सरी हो सकता है, बहुत बड़ी कोई केक दिखाई दे रही है, यहाँ पर पार्टी फंक्शन हो रही है। यस यहाँ पर मनचाहा शेप बॉडी की एंड दूसरी और सेलिब्रेशन कम्युनिटी के मेंबर के बीच एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। एंड सीक गाइडेंस, यहाँ पर कोई ऐसी पर्सन हो सकता है, कोई गुरु स्पिरिचुअल टीचर जो शायद आपको मदद करे पाथ ढूंढने में, डिसीशन लेने में। लेट्स सी, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस है। ग्रुप नंबर वन, क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपके लाइफ में? आपकी जो करंट एनर्जी फ्रिक्वेंसी है, वन टाइम मूव, ट्रैवल भी मैनिफेस्ट हो रही है, चैरियट कार्ड दिखाई दी मुझे एक बार, एब्सोल्युटली बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज डेविल विद दिस फाइव ऑफ पेंटिकल्स। बहुत जल्दी पेसिमिस्टिक थॉट को पिक कर लेना एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूशन, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है, बट पॉजिटिव एनर्जी 80% है, 20% जो नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर आ रही है बहुत विक्टिम मेंटेलिटी, बिकॉज यहाँ पर भी डेविल के साथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स, खर्चालीस जो एक्स्ट्रा वैगन नेचर होता है, कभी कभी एक्स्ट्रा वैगन नेचर को पैसे से मत देखिए, मैं सब कुछ लुटा कर दे दी सामने वाले को इमोशंस एंड वो सामने वाला उतना फीडबैक नहीं दे रहा है, तो ये कंटिन्यूसली करने की वजह से फील वेरी ड्रेन्ड एनर्जी वाइज, बहुत वीक वल्नरेबल एंड बहुत जल्दी इजीली दूसरे को एनर्जी अगर सेंड कर रहा है आपके ऊपर, आप वो हावी हो रही है आपके ऊपर। सो यहाँ पर ऑरा को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, बैक स्टेप होने के बावजूद भी आपको लगता है कि वो सुधर जाएगा, इस टाइप की मेंटेलिटी को छोड़ना पड़ेगा। ग्रुप नंबर वन, जो एक बार वो कहता ना कि एक बार जो चोरी कर चुका है उसका मन उस चोरी में जैसे करत लग जाता है उसका, सो यहाँ पर डेविलिस एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा डील ना करें। अगर आपको लग रही है कोई बुरी आदत है आपका, डेफिनेटली उस पर काम करना ज़रूरी है। देखिए एट ऑफ वॉन्ट्स एक ट्रैवल मैनिफेस्ट, वा मतलब रेडी स्टडी गो, मुझे इस कार्ड को देखकर एक हाई जंप की एनर्जी आते हैं, जैसे कोई स्कूल से कॉलेज जा रहा है, कॉलेज से कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की ओर जा रहे, पोस्ट ग्रेजुएशन से कोई पीएचडी की ओर जा रही है, मतलब इट्स ए हाई जंप नेक्स्ट स्टेज की, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है। ओके थ्री ऑफ कप्स, अगेन मुझे कम्युनिटी के मेंबर के बीच एक सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है, बट विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, सबसे इमोशनल बैलेंस्ड क्वीन जो इंट्यूशन से जुड़ी हुई है, पर्ल से जुड़ी हुई है,
एंड यहाँ पर विभीषण एनर्जी से मैं आपकी रीडिंग को शुरू की थी। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर लास्ट टैरो कार्ड में आई है। सो लोग आपको मदरली देख रहा है, चाहे आप मेल ही क्यों ना हो, लोग आपके पास आकर अपनी स्टोरी बता रही है, अपनी लाइफ कुछ गाइडेंस आपसे लेना चाहते हैं। तुम बताओ ना क्या करूँ मैं, इस टाइप की चीज़ें दिखने को मिलेगी, मैनिफेस्ट हो रही है चीज़ें। लेट्स सी फाइनल मैसेज फॉर यू ग्रुप नंबर 1। 1414 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, वन टाइम मूव। ओके ग्रुप नंबर 1, योर मैसेज गोस, योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स आर कॉलिंग यू टू एक्शन, द जर्नी बिगिंस टुडे। जो कल करना है वो आज कर, जो आज करना है वो अभी कर। सो ये कहावत है। सो यहाँ पर बोला जा रहा है सब कुछ रियलिटी में आएगा, बस एक्शन ओरिएंटेड रहो, पैसिव मत रहो। दो कदम अगर चल सकते हो तो दो कदम ही चलो, फिर दो कदम चलो, स्टेप बाय स्टेप करते रहो। कोई डिवाइन टाइमिंग के लिए इंतज़ार मत करो किसी चीज़ के लिए, तुम काम करते रहो, यू विल गेट अ रिजल्ट। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। आपकी अभी जो करंट एनर्जी फ्रेम है, एनर्जी लेवल है, फ्रिक्वेंसी है, उसके थ्रू से आप क्या मैनिफेस्ट कर रही है, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ हो सकती है, डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी लेवल। आपकी बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। इंट्यूटिवली आपने हाउस कार्ड चूज़ किए हैं, हाउस स्टेबिलिटी, नंबर 4 की जो एनर्जी होती है स्टेबिलिटी, साथ में घर की चार दीवारी, घर लिटरली आपकी घर बन रही है, आपकी शादी हो रही है वो भी एक हाउस कार्ड से हम देखेंगे, आपकी घर बन रही है, आपकी फैमिली एक्सटेंड हो रही है। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या आप मैनिफेस्ट करें अपनी करंट एनर्जी लेवल एंड फ्रिक्वेंसी के थ्रू से। बियर, ओके बियर जो है ये मैस्कुलिन एनर्जी है। हम हायरोफैंट की जो एनर्जी देखते हैं ना टैरो में, कहीं ना कहीं बियर के साथ वो एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच करता है। मतलब आप आइदर इस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है असर्टिव एनर्जी, अपनी ज़रूरतों को सामने रखना, अपनी ज़रूरत की बातें को सामने रखना कि मुझे चाहिए, मुझे ये करना है, एक मैस्कुलिन पावर की बात हो रही है, और ऐसी कोई एनर्जी को मैनिफेस्ट करना। बट बियर से यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही है प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, दैट इज़ बियर एनर्जी, राइट। ओके दिस इज़ कॉलड्रोन, कुछ तो बन रही है आपके लिए कॉलड्रोन से हमेशा ही। मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री लैब में जाइए, दो तीन डिफरेंट इन्ग्रीडियंट से एक अनोखा चीज़ें फॉर्म होते हैं, राइट। बहुत बहुत यूनिक कुछ चीज़ें फॉर्म हो रही है, कॉलड्रोन आने का मतलब एक क्रिएशन हो रही है, दिस ओम्ब, कुछ पक रही है आपके लिए, जैसे कुछ खाना पक रही है। हो सकते कुछ व्यूअर्स आप कुकिंग से जुड़े कुछ काम करते हैं, मुझे अचानक से वाइफ से, बाय द वे कॉलड्रोन से कुकिंग का कोई संबंध नहीं है, जस्ट चैनल हुई कुकिंग, समथिंग लाइक क्राफ्ट्समैनशिप जो क्वालिटी होती है, क्राफ्ट्स की जो क्वालिटी है उससे जुड़ी कुछ काम काज करना, कुकिंग हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, उससे जुड़ी कुछ काम काज आने वाले समय काल में, आप चैनल वगैरह ओपन करें, उससे जुड़ी शॉप, रेस्टोरेंट। ओके बट एक्चुअल में जो मेन मैसेज है, कुछ बन रही है, कुछ पक रही है आपके लिए, क्या पक रही है, मिल्क। ओके मिल्क जो है, हम पुष्य मिल्क देखते ही, मतलब फर्स्ट जो नक्षत्र का याद आते हैं वो है पुष्य नक्षत्र, उसके बाद उत्तर भाद्रपदा। देखिए पुष्य जो है मतलब पोषण करना, यू नो गिविंग एनर्जी होती है पुष्य की एनर्जी में, एंड मिल्क जो है आप देखते होंगे कि पहले बोला जाता था सोने से पहले थोड़ी मिल्क पी लो, मतलब मिल्क हील करते हैं बॉडी को, राइट। सो आज भी बोला जाता है मिल्क एंड हनी, मतलब अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आप मिल्क पी रही है इसका मतलब इतनी अबंडेंस, इतनी मनी आपके पास होंगे या फिर आप अट्रैक्ट करेंगे। मिल्क आने का मतलब है आपकी लाइफ में केयरिंग, मतलब केयरिंग पर्सन आप मैनिफेस्ट करें, या फिर मान लीजिए अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट करें, ऐसा पर्सन जो मदरली है। मिल्क से हम मदर को देखते हैं, सो आप मदर बने और ऐसी किसी पर्सन को यहाँ पर आप मैनिफेस्ट करें। ओके लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में एनर्जी वाइज, देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, आपकी एनर्जी लेवल से क्या मैनिफेस्ट हो रही है। ओके सेरेमनी, यहाँ पर एक ब्राइड दिखाई दे रही है, एक सेरेमनी मैनिफेस्ट हो रही है, कोई सेलिब्रेशन, कोई सैक्रो रिचुअल्स यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है, एंड जो बहुत क्विक होगी। नंबर 4, लुक एट दिस, लुक एट दिस, नंबर 4 सेरेमनी सेलिब्रेशन। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक,
यहाँ पर आपको ना किसी से मदद, अगेन 2-2 नंबर 4, आपको बोला जा रही है अपना काम जो है खुद से करो। बहुत ज़्यादा लोगों की मदद लेकर करने की वजह से आपकी जो मार्शियन एनर्जी है, जो मैस्कुलन पावर है, बहुत सप्रेस्ड हो रही है। ग्रुप नंबर 2, खुद से किसी चीज़ को आगे लेकर जाना, इनिशिएशन लेना, स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नंबर 4 की एनर्जी, आपकी नंबर 4 जब इतनी रिपीट हो रही है, नंबर 4 क्या बताता है, स्ट्रक्चर। एंड आपने चूज़ भी किया हाउस, जो घर की चार कॉर्नर है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सो नंबर 4 मतलब 3 टाइम्स नंबर 4 की एनर्जी है। नंबर 4 आने बार बार अगर आपको दिखाई दे रही है, ये एक मैसेज भी है आपको स्ट्रक्चर्ड होने के लिए बोला जा रहा है। आपको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपनी लाइफ को, डेली लाइफ को सेट करना है, डेली लाइफ रूटीन को सेट करना है। ओके, देखते हैं। थैंक यू। नंबर 2 क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में? थैंक यू। स्प्रिट मेंटर टीचर, आपकी लाइफ में कोई टीचर मैनिफेस्ट हो रही है। मुझे 14 नंबर दिखाई दी थी एक बार, एंड 41 नंबर पे आई है स्प्रिट मेंटर एंड टीचर। ऐसी कोई टैलेंट गाइड यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में। आइदर आप इनके कॉन्टैक्ट में रहेंगे, ऐसी कोई पर्सन आप मैनिफेस्ट करी है, या फिर आपकी पार्टनर हो सकती है इस एनर्जी फॉर्म में है। यू विल बिकम इन टू दिस एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक, ओ दिस वेरी स्ट्रॉन्ग समन, एक हीलर है। लुक एट दिस, दिस इज अगेन हीलर। सो समन एक हीलर, ओके। यहाँ पर बहुत समन एक एनर्जी आ रही है, बहुत ओल्ड समन एक एनर्जी। आइदर आप ऐसे किसी पर्सन के कॉन्टैक्ट में, गुरु आना लाइफ में, हम कहते हैं ना कि गुरु जब आपको मिले वो आपको दिशा दिखाते हैं, वो आपको एक आपकी जीवन की उस पर्पस से मिलाते हैं। तब तक उस उनसे मिलने से पहले हम भटकते हैं। सो यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली आपकी जो एनर्जी फॉर्म है, स्पिरिट यूनिवर्स भी चाहते हैं कि ए पर्सन से आप मिले या फिर वो आए आपकी लाइफ में। ओके, लुक एट दिस डिवाइन प्रेजेंस, द फोर्स ऑफ लव एंड क्रिएशन, उम्ब, जिसकी बात यहाँ पर मैं बोल रही थी कि कॉल्ड्रन उम्ब है, क्रिएशन है। एंड ए कार्ड आया, क्या फॉर्म हो रही है आपके लिए, वो है फोर्स ऑफ लव एंड क्रिएशन। लव क्रिएशन यहाँ पर आपके लिए बन रही है। दिस इज लाइक ए लॉटरी लगी है किसी को, अचीवमेंट। पेड़ पौधे में पानी डालिए, समथिंग न्यू, कुछ ऐसा करना जो आपने कभी नहीं की है ग्रुप नंबर 2। अपने कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करें, क्रिएशन, जो जैसे कोई जस्ट सीड लगाई है तो उसमें पानी डालना भी ज़रूरी है, उसको शो करना ज़रूरी है, यू केयर, राइट। लेट्स सी मैनिफेस्ट, लेट्स सी क्रिएट, क्रिएशन बहुत रिपीट हो रही है। देखिए यहाँ पर पेंटिंग वगैरह दिखाई दे रही है, अभी जैसे पेंटिंग बना तो नहीं है, बट क्रिएशन 41 नंबर रिपीट हुई। टैलेंट गाइड, स्पिरिट गाइड के साथ क्रिएट, ओ लुक एट दिस, दिस इज़ अ स्पिरिट मेंटर टीचर एंड हियर इज़ अ क्रिएशन कार्ड। सो यहाँ पर ये टीचर गाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे आपकी क्रिएशन में, कुछ जो आपकी लाइफ में फॉर्म होने जा रही है। एंड लुक दिस, आप बिल्कुल ऑन द राइट ट्रैक है, और मैं बताऊँ सही पायल पर है। बिल्ड होम, आपने होम कार्ड ही चूज़ की, हाउस, एंड यहाँ पर घर बन रही है, कोई घर खरीद रही है या फिर किसी की घर बन रही है। कोई स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट किसी चीज़ से मुझे नज़र आ रही है, और कोई पर्सन से यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर मैं अगेन कह रही हूँ स्नीकी स्नीकी, जैसे कुछ पीठ पीछे चलना, पीठ पीछे कुछ करना, इस टाइप की चीज़ें ना करें ग्रुप नंबर 2। जैसे आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है, घर बन रही है, कोई जैसे पेंट कर रहा है, घर मरम्मती कर रहा है, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। बट घर का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाउस, बिल्ड योर ओन हाउस, बिल्ड योर फैमिली। ग्रुप नंबर 2 क्या मैनिफेस्ट हो रही है? फर्स्ट, दिस इज एक्साइटिंग, कुछ न्यूज़, मतलब यू विल बी एक्साइटेड ग्रुप नंबर 2 कि ओ माय गॉड, मैं आपको बोल रही थी जैसे मुझे लॉटरी लगी है। ओके, थैंक यू। एक्साइटिंग कुछ न्यूज़ आ रही है। नेक्स्ट, दिस इज नर्चर, देखिए पुश्य मिल्क आई है, ये अगेन मदरली एनर्जी, नर्चर करना, पोषण करना, मन को वो तृप्ति मिलना, राइट। एंड दिस इज लिटिल बिट फियरफुल एनर्जी मुझे नज़र आ रही, बट आप श्योर नहीं है किसी चीज़ को लेकर, एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं ग्रुप नंबर 2 आपकी एनर्जी में, बिकॉज जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में खुद हो रही थी। सो मुझे लग रही थी इस एनर्जी में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, फियर बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई बिहाइंड द कार्टन रहने की एक टेंडेंसी है। बट आई डोंट नो व्हाई नर्चर्ड मिल्क से मुझे नज़र आ रही है, जैसे यूनिवर्स यहाँ पर कुछ मिराकल करना जा रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, अगेन सेलिब्रेशन,
देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं, थोड़ी टैरो से देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है नंबर टू। एक काम करने से पहले आप इतनी सोचते हैं कि डिले हो जाते हैं। सोचना सही है, कोई बात नहीं, डेफिनेटली किसी काम को एग्जीक्यूट करने से पहले एक ब्लूप्रिंट होना जरूरी, बट इतना ज़्यादा ओके। मुझे आपके लिए स्पेसिफिक एक मैसेज आ रही है, बिकॉज टावर एंड एट ऑफ पेंटिकल्स एकदम कंजंक्ट की है, पर्टिकुलरली एक टूटे हुए रिलेशनशिप को रिबिल्ड करना, एक हार्ट ब्रोकन हार्ट को रिबिल्ड करना, बिकॉज लवर्स कार्ड आई है ओके विद दिस एट ऑफ वॉन्ड्स। मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ लाइक कोई स्कूल से कॉलेज जा रहा है, कॉलेज से कोई यू नो यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कोई पीएचडी के लिए जा रहा है, तो एक जंप है, एक नेक्स्ट स्टेज में है। एंड लवर्स के साथ एट ऑफ वॉन्ड्स एंड लुक दिस फ्रॉग्स इज सो एक्साइटेड, और आपकी कार्ड भी आई थी एक्साइटिंग। सो यहाँ पर एक लवर्स दिखाई दे रही है, लुक एट दिस पैरेट कपल हेयर। सो एनर्जी एंड दिस द मून एनर्जी जो आप दोनों को इमोशनली कनेक्ट करते हैं। एंड मुझे यहाँ पर थोड़ी मैसेज आ रही है एट ऑफ पेंटिकल्स से टावर एनर्जी, जैसे उस चीज़ पर काम किया जा रहा है जो ऑलरेडी टूट चुकी है। मैं बिल्कुल भी पास्ट एक्स की कुछ बात नहीं कर रही हूँ, कुछ चीज़ों की मरम्मती हो रही है, कुछ रिलेशनशिप की मरम्मती हो रही है ओके। सो यहाँ पर बिल्कुल भी एक्स वैक्स की कोई चक्कर की बात नहीं हो रही है, कुछ रिलेशनशिप में कुछ जैसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब एफर्ट्स लगाना, एंड हियर इज अ लुक दिस ग्रूम हियर रेडी टू गिव समथिंग। सो यहाँ पर एक ग्रूम दिखाई दे रही है राइट, दिस द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, दिस ग्रूम इज सो एक्साइटेड एंड विद दिस एट ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर जो रेडी है मरम्मती के लिए, पेंट करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रही थी बिल्ड हाउस यू नो बिल्ड योर ओन हाउस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टेबिलिटी की ओर जा रही है, जो पहले टूट चुके थी वो जो छेद है उसको ना ठीक किया जा रही है ओके। थैंक यू स्पिरिट विद दिस सेवन ऑफ कप्स एंड विद दिस टेन ऑफ सोर्ड, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है यहाँ पर कुछ चुनाव होगी, ऑप्शंस के बीच पर्टिकुलरली एक चीज़ को चूज़ किया जा रही है। आपके पास ऑप्शंस हो सकती है, या फिर आप कंफ्यूज्ड थे शुरुआती दौर में, देन आपको चीज़ें समझ आएंगे एंड यू विल टेक एक्शन। मुझे यहाँ पर आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज आ रही है क्या मैनिफेस्ट, वो है रेक्टिफिकेशन करेक्शन ओके। फाइनल मैसेजेस देखते हैं ग्रुप नंबर टू क्या मैनिफेस्ट हो रही है। हमिंग बर्ड, रिलीज व्हाट यू हैव बीन कैरिंग एंड लाइट एंड अप न्यू जॉयस ऑन द वे, मतलब आपके एक नई सेल्फ मुझे दिखाई दे रहा है। हमिंग बर्ड बहुत छोटी बर्ड है, उसकी जो विंग्स है वो झपकने की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। सो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, बहुत एक्साइटमेंट तो है यहाँ पर है, हमिंग बर्ड से भी वो एनर्जी आ रही है कि आप एक्साइटेड बहुत है एंड उस जॉय के लिए, उस न्यू जॉय के लिए एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने जा रही है। एंड नेक्स्ट विद दिस रोबिन, न्यू ग्रोथ एंड पोटेंशियल इज ऑन द होराइजन, रीच आउट एंड एम्ब्रेस इट, आप बस बाहें फैलाकर उसको एक्सेप्ट करोगे राइट। ग्रुप नंबर टू मतलब आपकी एनर्जी में रिसेप्टिव मोड ही सिर्फ नहीं, बहुत एक्शन ओरिएंटेड मोड भी है एंड दैट्स वाई यू विल गेट दिस ग्रोथ दिस लव एंड दिस न्यू ब्लेसिंग्स। सो थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर थ्री, देखते हैं करंट आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, क्या वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। बर्थ मंथ है मार्च, जून, सेप्टेम्बर, दिसंबर, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी लेवल ओके। एप्पल कार्ड आपने इंट्यूटिवली चूज की है, एप्पल से फर्स्ट जो याद आते हैं, वन एप्पल एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एवरी डे एक एप्पल, हेल्थ, यहाँ पर हेल्थ पर कंसर्न होने के लिए थोड़ी जैसे आपकी अटेंशन होनी चाहिए हेल्थ पर। एप्पल से हम रिलेशनशिप को भी देखते हैं, टेम्पटेशन को भी देखते हैं किस तरह से ये मैनिफेस्ट हो रही है ओके। किसी के लिए टेम्पटेशन मैनिफेस्ट होंगे, किसी के लिए डेफिनेटली हेल्थ रिकवरी मैनिफेस्ट हो रही है, जहाँ पर आप डॉक्टर की दवा शायद आप खा रही है या फिर आप उसको ले रही, साथ में कुछ होम DIY चीज़ है ओके। स्कल, मैं इस कल को देखती हूँ कम्प्लीटली जो टैरो में जो डेथ कार्ड है नंबर 13 ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि स्कल जो है एक नया कपड़ा लेगा,
नई बॉडी ले रहा है, नई एक जन्म हो रही है। तो पर्सनालिटी का चेंज, नई सेल्फ आना, आप कलर कर रहे हो हेयर को, आप नोज में होल कर रही हो, आप एक नोज पियर्सिंग, आप एक टैटू बना रही है बॉडी में, समथिंग डिफरेंट। एज यूजुअल आप ऐसे नहीं हैं। स्कल आने का मतलब इसे ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनैलिटी वाइज, आपके लुक्स वाइज, ड्रेसअप वाइज। पहले जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप बोलते थे एकदम से, 10 बातें किसी को बोल दिया आपने गुस्से में आकर, आपका पर्सनैलिटी आप ऐसा हो रही है या मैनिफेस्ट कर रही हो, जितना ज़रूरत है बस उतना ही जवाब। कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं तो बस ठीक हूँ। तो बहुत शॉर्टकट में चीज़ों को कंप्लीट करना, मतलब आपको पसंद नहीं बहुत एलाबोरेट एक्सप्लेनेशन देना, ये ऐसे एक पर्सनैलिटी भी मैनिफेस्ट होना मुझे यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। ह्यूमैनिटी देखिए पीकक है ग्रुप वन में ना, पीकक, यस ग्रुप वन में पीकक ही यहाँ पर, ग्रुप वन एंड थ्री में भी कनेक्टेड है। मुझे ह्यूमैनिटी की एनर्जी आ रही है, जैसे होता ना कि कोई डॉग आपने पेट्स कोई लिया है पेट्स के रूप में, बट सडनली उस डॉग को कुछ बीमारी पकड़ में आई है, तो उसको रास्ते में कोई छोड़कर चला गया। बहुत होता है ये, इस टाइप की इनह्यूमन एक्टिविटी बहुत होते हैं। सो आप जैसे उस डॉग को उठाकर उसका यू नो ट्रीटमेंट करवा रही है, यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली वो मैसेज यहाँ पर आ रही है। जो नेगलेक्टेड सोसाइटी या फिर ऐसे एनिमल जानवर जो बहुत ज़्यादा टेक केयर नहीं किया जा रही है, आप उनकी मदद करें, मतलब आपकी एनर्जी इस फॉर्म में है, आप सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी दिखा रहे हो। आप देखेंगे कोई एक्सीडेंट होकर पड़ा हुआ है, लोग देख रहे, फ़ोटो खींच रहे, सेल्फी ले रहा है, कोई एक ना पुलिस को फ़ोन करता है ना एक एम्बुलेंस को कॉल करता है ना मदद करता है। सो यहाँ पर आपकी उस जगह पर ह्यूमैनिटी यहाँ पर एक्टिव है कि आप कर रहे हो। ओके दिस इज़ अ ट्री कार्ड। ट्री से आपकी एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव है, ग्रुप नंबर थ्री। ट्री से हम फैमिली देखते हैं, राइट, ट्री से हम एक्सपेंशन भी देखते हैं, फैमिली, नेक्स्ट जनरेशन, फैमिली एक्सटेंड होना। ट्री से भी हम हेल्थ रिकवरी देखते हैं। सो ये पर्टिकुलरली आपकी थीम आ रही है, थोड़ी डिटेल में देखते हैं आपकी एनर्जी फ्रेम से क्या क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर थ्री। थैंक यू, वन टाइम ओके। वाइज मैन, ओ वाओ, दिस लाइक ए ग्रीन मैन, ग्रीन सिग्नल। ओके एक ऐसा एनर्जी जो वाइज पर्सन है। मेन देखिए, मेन लिखा है तो यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी की से बात नहीं हो रही है, मेल ही है, मेल पर्सन, मेन। ओके आप अट्रैक्ट कर रही हो। ओके वाइज मेन से मैं यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी को यहाँ पर पर्टिकुलरली, जहाँ पर गुरु की एनर्जी हो, वेनस, जुपिटर, बड़ी एनर्जी है, एक्सपेंसिव वॉइस, नॉलेजेबल एनर्जी पर्सन को आप मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में। ओके लेट्स सी, बट लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम यू, लाइक ए डिफरेंट पेज फ्रॉम यू, बट जैसे डेस्टिनी जुड़ी हुई है। ओके बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज चिल्स, अपॉन माई फ्लेश, विद इन माई बोन्स, क्विवर्स, ए क्रॉलिंग, फ्रोजन इन नैमनेस, सेल आई इग्नोर और सेल आई बेस्टो, फ्रोजन नोइंग लुक्स बैक एट द सोल। करंट टाइम फ्रेम में आपकी सोल की एक एनर्जी आ रही है, फ्रिक्वेंसी जो आ रही है बहुत नैमनेस, मतलब पैसिव एक एनर्जी, जो समझ नहीं आ रही जिंदगी में हो क्या रहा है। जैसे स्नोफॉल हो रही है, मैं बस इन्जॉय कर रही हूँ, जैसे मेरा कुछ आगे के कुछ प्लान नहीं है, पास्ट में जो हुई है मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ, जैसे मैं नाव को छोड़ दी हूँ, एक बहुत इस टाइप की एक एनर्जी आ रही है। देखिए चिल्स इज़ गुड, लाइफ में चिल करो, ठीक है, बट थोड़ी जैसा आपको कहा जा रही है, कुछ चीज़ों पर आपको एक्टिव होने के लिए बोला जा रही है, क्योंकि एक एनर्जी है, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ऐसी एनर्जी को, ऐसे पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर बैठोगे, ऐसे लोगों को जो आपके साथ बहुत फ्रोजन एनर्जी बन गया, मतलब वो कुछ बोलने आया, आप सामने हैं, उन्होंने इमोशंस को रिलीज नहीं की, या फिर आपको बहुत ड्राई देख रहा है, डिटैच देख रहा है, वो हट गए, वो थोड़े साइड हो गए कि ये पर्सन तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, बहुत डिटैच्ड है। तो इस टाइप की चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो रही है। अब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं यहाँ पर, जो मुझे करंट एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, आप इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी चीज़ में, बहुत विरक्ति है चीज़ में। पर लुक एट दिस लाइट कार्ड इज हियर, होप इज बट ए वर्ड, बट ए वर्ड कास्टिंग द अनसीन, लेट देयर बी लाइट, फॉर लाइट इज बट ए ड्रीम। बहुत सारी एनर्जी आपको पाथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक स्पिरिट नहीं है, एक एंसेस्टर की बात नहीं हो रही, एक एंजल की बात नहीं हो रही है, स्पिरिट रियल्म है आपके पास, जहाँ पर बहुत सारी सोल दिखाई दे रही है जो चला गया है, तारे बन गए, एक्सपायर कर चुके हैं। ऐसे एनर्जी भी एक से अधिक है, यू नो मोर देन वन, जो यहाँ पर आपको दिशा दिखाने की कोशिश करें, बट आप है कि अंधकार, टर्न
टर्निंग इनवर्ड, धीरे धीरे जैसे खुद की ओर इतना झांक रेला केतु, बहुत केतु के प्रभाव दिखाई दे रहे करंट टाइम फ्रेम में ग्रुप नंबर 3 आपके ऊपर। लेट्स सी, बहुत चुपचाप रहना, साइलेंट रहना, सेलिब्रेशन से दूर रहना, ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। ओके लेट्स सी, मुझे ना यहाँ पर एक साइंटिस्ट दिखाई दे रहे, चश्मा पहन कर, बड़े बड़े चश्मा है यहाँ पर। ओके ग्रुप नंबर 3 क्या मैनिफेस्ट हो रही है करंट एनर्जी फ्रेम में, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आने वाले समय काल में लोग अप्रिशिएट करेंगे। दिस इज कनेक्शन, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट, ग्रुप नंबर 3। यहाँ पर पार्टनरशिप मैनिफेस्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटमेंट मैनिफेस्ट हो रही है। ओके नेक्स्ट, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, ग्रुप नंबर 3 लव एक्सेप्टेंस एंड रोमांस। वाव, येलो हार्ट है ये ना, जुपिटर वाला एनर्जी, दैट्स वाई द वॉइस मैन में बोले थे आपको गुड जुपिटर एनर्जी हेयर एंड दिस इज लव, जो फुल्ली मतलब येलो आने का क्या जो एनर्जी होती है वो अबंडेंस लेकर आना। एंड यो देखिए, एक होते ग्रीन हार्ट जो हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, ये जो येलो हार्ट है ना ये अबंडेंस प्रोवाइड करते हैं, प्रॉस्पराइटी प्रोवाइड करते हैं, आपकी एनर्जी में ऊर्जा लेकर आते हैं। जो यहाँ पर आप एकदम स्नोफॉल में हैं, फ्रिज हो चुके आपकी इमोशन, बर्फ बन गई है, ये ताप मिलेगा तो यहाँ पर वो वाटर में कन्वर्ट होगा, इमोशंस फिर से बहना शुरू होगी। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक एनिमल टोटम, लुक ग्रुप नंबर 3, मुझे बहुत एनिमल स्प्रिट की ब्लेसिंग नज़र आ रही है आपके ऊपर, छोटी सी मदद एनिमल की। अभी बहुत समर सीजन है, धूप है, यहाँ पर पानी सूख रही है, थोड़ी उनके लिए पानी डालिए कटोरी में, पानी दीजिए, थोड़ी खाना दीजिए, ये आपका जो कर्मा है कहीं लिखा जाएगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं होते हैं। ओके दिस इज होप, ऑप्टिमिज्म, न्यू बिगिनिंग्स। ओके लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्या मैनिफेस्ट हो रही है करंट टाइम फ्रेम में। पार्टनरशिप है कुछ व्यूअर्स के लिए, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, इनसाइट, विद दिस पैशनेट एंड बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, एक ऐसा सिचुएशन में करंट टाइम फ्रेम में है बिकॉज ऑफ केतु और मे बी सैटर्न और राहु, बट पर्टिकुलरली मुझे केतु की एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से लोगों के साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है, आप कुछ बोलने जा रहे हैं लोग कुछ और समझ रहे हैं। बट लुक एट दिस द पैशनेट कनेक्शन हियर, लुक यहाँ पर दो डॉल दिखाई दे रही, हाथ पकड़े हुई है, यू नो पैशनेट एक कनेक्शन आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, जो आपको मतलब भीतर से अनुभव होगी। कोई आकर आपको आई लव यू बोल रहा है, आपने बोल दिया आई लव यू टू, नॉट दिस टाइप, यू नो यहाँ पर आप फील कर पा रही है, अगर वो नहीं भी बोल रही है तब भी। ओके लेट्स सी और क्या मैनिफेस्ट हो रही है, खुद के भीतर जगना, स्टडी टू नो योर सेल्फ ग्रुप नंबर 3, अपने आप को जान लेना ये मैनिफेस्ट हो रही है। आपके लिए क्या वीक पॉइंट है, आपके लिए क्या स्ट्रेंथ है, क्या लाइफ पर्पस है ग्रुप नंबर 3, क्या मैनिफेस्ट हो रही है स्पिरिट। फाइंड एन ओरेकल, ओ एक डोर ओपन हो रही है नंबर 4, एक रास्ता मिल जाएगा। एंड हो सकता है ग्रुप नंबर 3 कोई ओरेकल, कोई माध्यम, कोई मीडियम, कोई गाइड, कोई गुरु की वजह से, जैसे यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल टीचर के रूम में कोई जा रहा है, यू नो कोई स्पिरिचुअल टीचर के रूम में, सो मदद होगी थर्ड पार्टी, कोई सेकेंड कोई पर्सन के थ्रू से, जिसकी वजह से आपको मालूम पड़ेगा अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है। कोई स्पिरिचुअल गुरु टीचर भी मैनिफेस्ट हो रही है, ये भी मैनिफेस्ट होते हैं। इन योर बैग, ओ माय गॉड दिस इज़ इन योर बैग, ह्यूज अबंडेंस, अब बैग की बस मुंह को खोल दो एंड अबंडेंस विल बी देयर एंड दिस इज़ द क्रिएट कार्ड। जैसे यहाँ पर कुछ क्रिएट होने जा रही है आपकी लाइफ में, कि एंजुलिटी ही अट्रैक्टिव है, सब करते हो आप जिस तरह से जिस की बैड आप खरीदते या फिर कलर दूसरे लोगों से बहुत मतलब आपकी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन कर रही है, यू आर यूनिक ग्रुप नंबर 3 एंड शायद आपकी पर्सनालिटी ही आपकी नेक्स्ट चैप्टर का एकदम थीम पॉइंट बनेंगे। ओके लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 करंट एनर्जी फ्रिक्वेंसी से क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। 3 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट हो रही है, सेलिब्रेशन,
ओके देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपके लाइफ में. बॉटम ऑफ द डेक. ओ माय गॉड, ग्रूम इज सो एक्साइटेड. दिस ग्रूम इज सो एक्साइटेड. लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स विद दिस फोर ऑफ वॉन्ड्स. ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स मैरिज कार्ड, सेलिब्रेशन है. देखते हैं व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ. आप अभी शायद बहुत एक विक्टिम मेंटालिटी में हैं, कुछ हो नहीं रहा लाइफ के साथ. फाइव ऑफ पेंटिकल्स, कुछ भी तो नहीं चल रहा. जैसे मैं शुरू में आपको बताई ना कि क्या हो रहा है लाइफ के साथ, कुछ पता ही नहीं चल रही है. बट बिकॉज आप लॉक की तरफ देख रही है, की तरफ नहीं, आप सोल्यूशन की तरफ आपको देखना है. ओके, कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपके हाथ में है. अगर कुछ भी नहीं है ना, तो खुद को जान लो, खुद की डेली रूटीन को पहले ठीक कर लो, फ्रीक्वेंसी को ठीक कर लो. ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं. दिस इज जस्टिस कार्ड हियर. जो आपने करा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इतनी देर से जो स्ट्रगल की बात हो रही है, जस्टिस यहाँ पर मौजूद है. लुक एट दिस किंग ऑफ शॉर्ट्स, जो डिसिप्लिन्ड एनर्जी की बात करते हैं. आइदर दिस इज यू जो कन्वर्ट होने जा रही है, वेरी डिसिप्लिन, वेरी पंक्चुअल, वेरी ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी. जो एक बार जो मैंने बोल दिया तो बस बोल दिया, यू नो, इस टाइप की एनर्जी कि मैंने बोल दिया बस बोल दिया, प्रॉमिस कीपर एनर्जी. और मे बी बिकॉज फोर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं. किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पर. सो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही हैं, बिकॉज टू ऑफ वॉन्ड्स भी ऑप्शंस की बात बोल रही है. ऑप्शंस आपके पास होंगे, बट कहते हैं ना कि आप चूज़ उसे करेंगे, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप मैरिज के मामले में, जिसके प्रति आपका ऋण है पास्ट लाइफ से. आपका फ्रिक्वेंसी उस लेवल पर, उस टाइम फ्रेम में बन जाएगा, एंड आप उसे ही अट्रैक्ट करेंगे, उससे ही शादी करेंगे, उससे ही ऋण चुकता करने के लिए. ऋण होती है पास्ट लाइफ से, हम इससे भी मैरिज को देखते हैं, राइट. बाय द वे, बात से मैरिज की नहीं हो रही है, यहाँ पर एक जस्टिस की एनर्जी है जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रही है. ओके, देखते हैं फाइनल मैसेजेस. ग्रुप नंबर 3 फॉर यू. अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है. थैंक यू. टर्की, ऑनर योर ओन टाइम ऑफ हार्वेस्ट. ऑफर योर गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स एज सर्विस टू द ग्रेटर गुड. आप यहाँ पर सर्विस के लिए आई हैं और टू सर्व अदर पीपल, बट उससे पहले खुद के आत्मा को देखो, उसको पहले देखो. सोल, जैसे सोल में ऊंस है, वो हील कर दो. ऑनर योर ओन टाइम ऑफ हार्वेस्ट. मी टाइम को इन्जॉय करो, मी टाइम रखो, लेजर टाइम रखो अपने पास. देन बाद में जाकर आप दूसरों को यहाँ पर सर्व करेंगे, दूसरे के लिए सर्विस प्रोवाइड करेंगे. रावण की एनर्जी है. द यूनिवर्स इज कॉलिंग यू टू नोटिस इंपॉर्टेंट सिंक्रोनिसिटीज. कुछ इशारा, कुछ सिग्नल, कुछ सिंक्रोनिसिटी आपको भेजा जा रही है, बट समटाइम्स यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट और टू मच डिस्ट्रैक्टेड टू नोटिस इट. सो यहाँ पर थोड़ी इस जगह पर आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रही है. ओके, थैंक यू सो मच. मैं मिलती हूँ स्टूडियो में. वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.